भैया बहनों, आज हम कक्षा 6 में आपका इकाई नंबर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं प्रारंभ करते हैं। भूमिका है जियोमेट्री। ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ है भूमि और मेट्रोन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वस्तुकला या शिल्पकला और भूमिमापन की अवधारणाओं आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माणों, कला और वास्तुकला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है बिंदु, पॉइंट। बिंदु एक ऐसी स्थिति को निर्धारित करता है जैसे प्रकार का सिरा, पेंसिल का नुकीला सिरा आदि बिंदु के उदाहरण हैं, जहाँ टिकते हैं, ये पॉइंट पी है। रेखाखंड एक ऐसी सीधी रेखा को जिसके दोनों सिरे अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाती है। जैसे पोस्टकार्ड का किनारा, ट्यूबलाइट, पुस्तक का किनारा आदि रेखाखंड के उदाहरण हैं। जैसे ए बी, इसे हम ए बी के ऊपर एक ये रेखा हम डालकर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेखा, जब किसी रेखा को दोनों विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ाते जाते हैं तब रेखा कहलाती है। जैसे ए बी है, ये दोनों दिशाओं में बढ़ती है और इसे हम रिप्रेजेंट प्रदर्शित करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये L1, L2 इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलती या जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, प्रतिच्छेदी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे AB और BC, AB ये निशान है जो हम समांतर का है, AB समांतर PQ। किरण, रेखा का वह भाग जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा एक दिशा में बिना अंत के विस्तृत होती है। A एक प्रारंभिक बिंदु है और ये B की दिशा में बढ़ती है, तो AB एक हमारा प्रारंभिक बिंदु होगा, AB हमारी एक किरण होगी।